नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का मतलब जो आपका इंटरवल है उसमें -1 और 1 नहीं होगा। प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय fx इज इक्वल टू x+1/x इज इंक्रीजिंग ऑन i। मींस बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है कि आपका ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में एक्सक्लूडिंग -1 to 1। ये समझ में आ रहा है? डिसजॉइंट का मतलब एक्सक्लूडिंग, -1 और 1 को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज होंगे रियल नंबर्स होंगे वहां ये इंक्रीजिंग होगा, बट एक्सेप्ट -1 to 1 ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो दिस इज द इंटरवल fx इज इक्वल टू x+1/x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या होगा आपका 1 -1/x2। भाई x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा -1/x2। जब आप एलसीएम लोगे इट विल बी x² (x² × 1) (x² - 1² कैन आई से दैट a² - b² दैट इज a+b a-b अपॉन x² नाउ स्टेप वन इज व्हाट टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) विल बी इक्वल टू 0 f'(x) किसके इक्वल होगा 0 के f'(x) क्या आपका x+1 x-1 / x² = 0 भाई बेसिकली अब ये 0 कब कब हो सकता है देखो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 भाई ये 0 होगा तो भी ये सारा 0 हो जाएगा अगर आप इसको 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो x इक्वल टू क्या होगा 0 राइट यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है देन साइन ऑफ f'(x) तो f'(x) की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 1 0 और ये आपका f'(x) का साइन है। तो अगर मैं इन साइन को नंबर लाइन में शो करता हूँ -∞ और इंफिनिटी के बीच में तो देखो सबसे छोटा नंबर इन आउट ऑफ दीज थ्री वो है -1 तो लेफ्ट मोस्ट साइड में आएगा -1 फिर आएगा आपका 0 और फिर आएगा आपका 1 राइट। अब आप देखो -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो से आपने रखा -0.5 अगर यहाँ मैं -0.5 रखूंगा तो 1 - 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 राइट और यहाँ मैं -0.5 रखूंगा तो ये हो जाएगा -1.5 स्क्वायर वाला तो पॉजिटिव ही आएगा ये तो मानते हो ना प्लस माइनस से माइनस ही तो देगा ये समझ में आ गया। ठीक है अब 0 और 1 के बीच में से 0.5 रख लो यहाँ 0.5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 यहाँ 0.5 और -1 रखोगे ये हो जाएगा -0.5 अगेन स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव ही आना है तो प्लस माइनस ये भी क्या होगा माइनस ही आएगा राइट। तो अगर आप देखो -1 और 1 के बीच में ये डिक्रीजिंग आ रहा है ओवरऑल देखो -1 और 1 के बीच में सेम साइन आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है लेकिन अगर 1 से आगे जाते हो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया देखो दोनों साइड प्लस प्लस आएगा पॉजिटिव और मैं -1 के पीछे जाता हूँ से मैंने यहाँ पे ले लिया -2 तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 -2 - 1 क्या होगा -3 और -- क्या आएगा प्लस तो ये देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो -1 और 1 इंटरवल को छोड़ के एक्सेप्ट -1 और 1 को छोड़ के ये इंक्रीजिंग है -∞ to -1 में भी इंक्रीजिंग है और 1 to ∞ में भी इंक्रीजिंग है। तो ये जो आपका इंटरवल था आपका वो क्या था ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग दिस उस इंटरवल में ये आपका क्या इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय fx इज इक्वल टू log sin x। आपका जो फंक्शन है वो क्या है log sin x ये जो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 0 to π/2 में और डिक्रीजिंग है π/2 to π में। क्या कहा कि ये जो फंक्शन है आपका 0 और π/2 मीन्स आप ये कह सकते हो फर्स्ट इंटरवल में तो इंक्रीजिंग होगा 0 to π/2 ये होता है और सेकंड इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव।
योर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर इस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, राइट। देन टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इसके इक्वल होगा जीरो के, तो अगर कॉट एक्स को मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ, भाई देखो कॉट एक्स आपका जीरो के इक्वल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट कर दूं ये क्या हो जाएगा 1/cot x, यस और नो, और इसका रेसिप्रोकेट कर दूं ये हो जाएगा 1/0। अब आपको पता है 1/cot क्या होता है 10x, यस और नो, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब 10 जो होता है नॉट डिफाइंड किस वैल्यू में होता है, 10 नॉट डिफाइंड होता है 1090 में, राइट, 1090 की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। तो अगर 10x 10π/2 के इक्वल है, अब क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 का आप कंसेप्ट यूज करोगे, इसमें आपने पढ़ा था कि अगर 10 अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट n π + α, इज इट क्लियर, देयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर 10 थीटा आपका 10 अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होगा n π + α। अब देखो ये 10 थीटा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया, अब इस फॉर्मूले से रिलेट करो, थीटा दैट इज एक्स इक्वल टू n π + α, n π + π/2, दैट इज n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो ये फॉर्मूला, दैट इफ 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n π + α, ओके, दिस इज द रीजन। तो आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इंटीजर्स वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैंने एक्स की जगह जीरो पुट किया, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2। एक्स की जगह अगर सॉरी एन की जगह, अगर एन की जगह 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा π + π/2, दैट इज 3π/2, और अगर एन की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2π + π/2। पॉसिबल वैल्यू ऑफ π/2, इससे आगे जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेंट आपको चेक करना है वो 0 to π/2 है और π/2 to π है, राइट, मुझे उसके बीच में ही वैल्यू देखनी है, तो इससे ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई। अब अगर मैं साइन को चेक करता हूँ, एफ डैश एक्स था आपका कॉट एक्स, तो 0, π/2 और पाई के बीच में चेक करना है, कैन आई से दैट 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट कॉट वहां पे नेगेटिव होता है, तो हो गया प्रूफ, इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 to π, इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये मैं असाइनमेंट के साथ लूंगा, इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा चीजें भी सिखानी है आपको, ठीक है, तो मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मैं असाइनमेंट के साथ लूंगा आपका, ठीक है, कर रीजन भी बता देता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साथ में मॉड्यूलस फंक्शन भी है, उसमें एक से ज्यादा चीजें हैं, तो ये मैं आपको असाइनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले और कर पाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई भी नहीं होगा, ठीक है, तो 17 हम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, नंबर 18 इज प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'x क्या हो जाएगा आपका 3x² - 6x + 3, राइट, फर्दर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन टर्म, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x² - 2x + 1, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग x² 2x के फैक्टराइजेशन करो -x - x + 1, बाय टेकिंग x कॉमन वी विल हैव x - 1 - 1 कॉमन x - 1, तो x - 1 and x - 1 x - 1 whole square, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब देखो थ्री और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यस और नो भाई? थ्री आपका कांस्टेंट है, ये तो है ही पॉजिटिव, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, और स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एफ डैश एक्स है वो जीरो से बड़ा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इट इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, यही प्रूव कर रहा था ना आपको, लॉजिकली क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 is the last question of this exercise. The interval in which y is equal to x square e raised to power minus x is increasing. आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो function है आपका वो किस interval में increasing होगा? ये जो function है आपका किस interval में increasing होगा? Minus infinity to infinity, minus 2 to 0, 2 to infinity और 0 to 2. First of all डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वन। प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? टू एक्स, राइट? y dash will be equal to, देखो आप दोनों ही टर्म से आप x और e raise to power minus x कॉमन ले सकते हो, we are left with minus x plus 2, right? Now for critical points, y dash will be equal to 0. अब अगर आप इसको 0 रखते हो, देखो ये तो 0 हो सकता है, एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की पावर 1 पॉइंट समथिंग होती है, कुछ भी उसकी पावर होगी वो 0 नहीं होगा। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 भी लोगे तो भी 1 होगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। और अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स प्लस टू। अगर 0 के इक्वल है तो x माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस टू के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x क्या आ गया? 2। तो बेसिकली आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक हो गया x इक्वल टू 0, एक हो गया x इक्वल टू 2। ये समझ में आ गया ना, एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट जो आपका निकलेंगे वो एक तो यहां से निकलेगा और एक इस फैक्टर से निकलेगा। अब अगर इसको आप नंबर लाइन में चेक करोगे, ये आपका वाई डैश है, 0 और 2, 0 और माइनस इंफिनिटी 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहां पर रखोगे ये नेगेटिव आएगा। तो आप माइनस वन रखो, माइनस वन रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। और माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेसिकली ये प्लस और माइनस माइनस ही बनेगा ना आपका। जीरो टू के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से आपने वन ले लिया, ये हो गया पॉजिटिव, और वन लोगे तो टू माइनस वन ये भी पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस ही देगा आपको। टू और इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, से आपने थ्री रखा तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और माइनस थ्री प्लस टू क्या होगा? माइनस वन। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। समझ में आ गया? तो किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है ये आपका? इट इज इंक्रीजिंग इन 0 टू 2 इंटरवल, दैट इज ऑप्शन डी। जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है।